दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपके रेडियो दोस्त रितु आर्या। दोस्तों आप सभी को आज बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आए। बसंत पंचमी को कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। प्राचीन भारत में मौसम को 6 भागों में बांटा गया है, उनमें से बसंत मनचाहा मौसम है और बसंत पंचमी से इस मौसम की शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मुख्य रूप से इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों खासकर कुमाऊं में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही कुल देवी देवताओं को भी याद किया जाता है। खासकर कुमाऊं में इस दिन जौ के पत्ते चढ़ाने का रिवाज होता है। घर का कोई बड़ा सदस्य सबके सिर में जौ चढ़ाता है और उसके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि व उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। अन्य त्योहारों की तरह इस त्योहार में भी ढेरों पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन सफेद कपड़े को पीले रंग में रंगकर पहना जाता है और बच्चों में पीले रुमाल बांटे जाते हैं। तो बसंत पंचमी के बारे में और भी बहुत कुछ बता रहे हैं महेश पंचम जी, आइए सुनते हैं। बसंत पंचमी यो तो पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर कुमाऊं में भी इसे मनाने की अपनी एक अलग परंपरा है और ये बहुत ही खास दिन माना जाता है। बसंत पंचमी के बाद ये माना जाता है कि ऋतु बदल गई है। जाड़ों का मौसम जा चुका है और गर्मियों का मौसम आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस दिन के बाद वास्तव में धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ जाता है। जो बर्फीली हवाएं होती थी वो धीरे धीरे गुनगुनी होने लगती हैं, धूप की तपन बढ़ जाती है और पहाड़ की चोटियों पर जो बर्फ की चादर बिछी रहती है धीरे धीरे वो पिघलनी शुरू हो जाती है और यहाँ से बुरांस प्योली ये खिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, पहाड़ की जो खेती है उस खेती में आप कोई भी फसल लगाओ लेकिन तीन चीज़ें, जौ, तिल और मांस, इनके बिना खेती को पवित्र माना ही नहीं गया है। और इन्हीं में से जो जौ होते हैं उनकी पत्तियों को तोड़कर ठीक हरेली की तरह बसंत पंचमी के त्यौहार को घर के बुजुर्गों सयानों द्वारा अपने परिवार को पूजा जाता है। और दूसरी खास बात यह है कि भूमि की पूजा होती है। भूमि यानी कि भूमि देवता को भी मानते हैं। इसके साथ साथ दो चीज़ें बड़ी खास होती हैं, एक है हरेला और दूसरा बसंत पंचमी। हरेले को जो है वो ये माना गया है कि धरती जो है उस पर उस दिन कसी, कुदाल, गैटी, फावड़ा कुछ नहीं चलाया जाता है। दूसरा, ठीक उसी तरह बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधों डालियों आदि पर जो है धारदार यानी दराती, आरी वगैरह ये नहीं चलाया जाता है। ये माना जाता है कि आज के बाद जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनमें नई कोफले आना शुरू हो जाती हैं, पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं और फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसी दराती आदि नहीं चलाई जाती है। दूसरा, आज जो महिलाएं हैं वो पीला वस्त्र धारण करती हैं, पूजा पाठ करती हैं और इस दिन के बाद यहाँ जो पतझड़ का मौसम होता है वो जाने के बाद हरियाली आना शुरू हो जाता है और खेतों में बोई गई फसलें धीरे धीरे डबाडब अपनी हरियाली से खेतों को भर देते हैं। बसंत पंचमी के त्योहार को प्राकृतिक दृष्टि से भी बहुत शुभ माना जाता है। इस त्योहार को फूल खिलने और नई फसल का आगमन का त्योहार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद ऋतु की कड़ाके की ठंड के बाद प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों के साथ चारों तरफ हरियाली की शुरुआत हो जाती है, जो गुलाबी ठंड को और भी खुशनुमा बना देती है। इस त्योहार के साथ इंसानों में ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों में भी नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं बसंत पंचमी की अन्य मान्यताएं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का भी अवतार हुआ था। इस त्योहार पर जगह जगह लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं।
पंचमी का त्यौहार बच्चों की शिक्षा को आरंभ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे बच्चों की बुद्धि तेज होती है और वो जल्द शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। 6 माह के बच्चे को अन्न का पहला निवाला खिलाने यानी अन्न प्राशन के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा गृह प्रवेश व अन्य कार्यों के लिए भी बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है। यह त्यौहार आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ और नई उमंग लेके आए। एक बार फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनते रहिए 90.4 मेगाहर्ट्ज़ में कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।